वाइस आ रही बेटा अभी क्लियर देखो जरा जल्दी से मुझे बताओ क्या वाइस आ रही है आपको ठीक क्लियर है ओके वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो फिर हम स्टार्ट करते हैं हिमांशु परम शान्या सनाया गणेश ताज शुभम रूपेश इसिता विश्वजीत राजेंद्र प्रियांशु कृष्ण राउफ गंगवार सरजिका चेला कैलाश नाथ श्रद्धा हिमांशु नितेश हेलो बेटा सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल लैबा सारा रजत विश्वजीत अजीत अंकित वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग चलो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो फिर हम स्टार्ट करते प्रीति तरन्नुम मनीष हाँ लास्ट चैप्टर है बेटा लास्ट चैप्टर है तो मैं हूँ डॉक्टर हरिओम गंगवार बेटा मैंने एमबीबीएस किया है केजीएमयू कि लखनऊ से 2010 में 2010 मेरा बैच है और आज हम 2021 में है और 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब तो 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट 2021 के लिए रिवीजन बैच 90 डेज शुरू हो चुका है थर्ड ऑफ अप्रैल से अगर आप प्लस में तो इसे आप इनरोल करिएगा ना इसके अलावा अर्ली एंथ जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे सेवेंथ ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ 2022 के लिए सब्सक्रिप्शन पे अभी बम्पर ऑफर चल रहा है अगर आप 2022 के लिए ट्वेल्थ मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें बेटा आपको दो का जो अभी चार महीने बचे हैं उसका सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा और साथ ही साथ एच लाइव कोड का यूज करेंगे बेटा तो इसमें आपको टेन का डिस्काउंट एडिशनल भी मिल जाएगा ठीक है और अन कॉम्बैट हर संडे को आप देते ही होंगे मुझे उम्मीद है नहीं देते तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा एक घंटे का टेस्ट होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन होते हैं फेस केमिस्ट्री बायोलॉजी के तो ये टेस्ट आप जरूर दीजिएगा क्योंकि तो इसमें स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हो और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है स्टार्ट करें चलो चलो क्वेश्चन नंबर वन पे हम आ गए हैं <coughs> सॉरी बेटा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे टाइम कितना हो रहा है बेटा टाइम हो रहा है दस बज के दस बज के बारह मिनट है ना एनटी <coughs> वाला पेपर स्टार्ट किया जाए ना हाँ ठीक है <coughs> एन के चैप्टर वाइज जो पेपर है बेटा वो स्टार्ट करते हैं एनटीए अपलोड कर आपको पता है ना एनटीए ने चैप्टर वाइज पेपर अपलोड करने स्टार्ट किए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पता है आपको ओके okay. ठीक है तो चलो एनिमल टिश्यूज अभी देखो ये नीट पंचायत में आखिरी चैप्टर है आपका बेटा इसके बाद आ, हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं ना नया स्टार्ट कर सकते हम लोग इसके बाद तो एनिमल टिश्यू चार तरह के होते हैं बेटा कौन से न्यूरल कनेक्टिव एपिथेलियल और मस्कुलर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द एपिथिलियम ऑफ नेफ्रॉन ऑफ हैज माइक्रोविलाई किस एपिथिलियम में पाई जाती नहीं यूट्यूब पे क्लास होगी बेटा यूट्यूब पे हम कुछ एन का जो भी चैप्टर वाइज आ रहा है उसको हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं ना एन चैप्टर वाइज जो अपलोड हो रहा है आपने देखा होगा शायद कहाँ पर होगा बेटा PCT PCT में जो एपिथेलियम होता है उसमें माइक्रोवेल पाए जाते हैं देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर एपिथेलियम एंड नियरली ऑल एनिमल टिश्यू विच प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल कितनी तरह के जंक्शन पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तरीका क्या हो जाएगा बी तीन तरह के जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन एक होता है टाइट जंक्शन एक होता है गैप जंक्शन और एक होता है एडहेरिंग जंक्शन एडहेरिंग ये तीन तरह के जंक्शन आपको एनसीईआरटी में दिए गए इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन सारे कनेक्टिव टिश्यू एक को छोड़कर फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर को प्रोड्यूस नहीं करता है ब्लड hmm. है ना ब्लड को छोड़कर विच आर द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफेंस सर्वाइज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथिलियम सब एक, -एक बढ़िया सवाल है एपिथिलियम के लिए सपोर्टिव फ्रेमवर्क कौन बनाता है एरियोलर एडिपोस

एडिपोज टिश्यू में है ना एडिपोज में उनको स्टोर कर लिया जाता है एडिपोज टिश्यू में उनको स्टोर कर लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास सेल सब एनसीआर के पॉइंट है मेटा फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास सेल सब कहा पाई जाती हैं कहां पर हो जाएगा एरियोलर टिश्यू में बेटा एरियोलर टिश्यू में सारी चीजें आपको मिलेंगी ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेन्ज इन पैरल फाइबर आर कंपोजिट ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल कॉल्ड क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर एट इन फाइब्रिल को क्या कहा जाता है मायोफाइब्रिल या माओफिल दोनों नाम यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज एक्सर्ट ए ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी टू चेंजिंग कंडीशन एनसीआरटी में आपको दिया गया बेटा बॉडी की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिस्टम वेन एस्टेस्ट इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विद स्विफ्ट ट्रेवल मेम्ब्रेन। कहीं जब किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो हाँ यह हो जाएगा न्यूरॉन या नर्व है ना न्यूरॉन या नर्व हो जाए ह्यूमन हर्ट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन हर्ट किससे बना होता है नंबर एनसीआर टी में आपको दिया गया बेटा ह्यूमन हर्ट में एपिथेलियल मस्कुलर न्यूरल ये चारों टिश्यू हो जाएंगे बेटा है ना तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल रोल ऑफ द सीटी इन अर्थवर्म अर्थवर्म में सीटी का रोल क्या होता है अर्थवर्म में सीटी है ना सी का रोल क्या होता है बेटा सिटी का रोल होता है लोकोमोशन में लोकोमोशन में रोल प्ले करती है द सेप ऑफ द सिटी सिटी का कैसा होता है? बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं करा रहा हूँ बेटा ठीक है सिटी का सेप कैसा होता है सीटी आर द एस द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थोवर्म हेल्प इन ग्राइंडिंग द सोइट पार्टिकल एंड लीफ अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होता है जो सॉयल पार्टिकल और डिकेंग लिव को ग्राइंड करने का काम करता है ग्राइंडिंग का काम कौन ये बहुत आसान है बेटा जी फॉर ग्राइंडिंग स्टार्ट आउट कलेक्ट में प्ले करती है ना तो नेफ्रीडिया जो होती है ये एक्सेस फ्लूड को कहा से कलेक्ट करने का काम करती है दैट इज द सिलोमिक सिलोमिक चबर हो जाएगा इन अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो कुकून हो जाएगा बेटा है ना कुकून के अंदर अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है अर्थवर्म डेवलपमेंट इज अर्थवर्म में किस तरह का डेवलपमेंट पाया जाता है इनडायरेक्ट तो होता नहीं बेटा है ना डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट का मतलब कोई भी लार्वा यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा कोई भी लार्वा नहीं होगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अर्थवर मीज हर्माफ्रोडाइट बाईसेक्सुअल सही है अर्थवर मीज यूज एज बेट इन गेम फिशिंग बिल्कुल मछली पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं पैकेट ऑफ कॉल स्पर्मेटोफोर ये भी सही है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाए इन फेरिटिमा अमेरिकाना फेरी प्लेट अमेरिकाना मतलब काक्रोच की बात कराए दिंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब कि जो विंग पंख होते हैं वो एब्डोमेन के बाद तक एक्सटेंड करते हैं किसमें मेल में या फीमेल में ये अच्छा सवाल है हम्म क्या हो जाएगा मेल में केवल मेल के केस में ऐसा होता है दोनों में नहीं होगा बेटा केवल मेल में होगा हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ कॉकरोच का हेड किसके फ्यूजन से बना होता है क्वेश्चन नंबर 20 ट्वेंटी में क्या करोगे सिक्स सेगमेंट एंड ट्राइंगुलर इनसेप है ना सिक्स सेगमेंट होंगे और ट्राइंगुलर होगा ये द माउथ पार्ट ऑफ काक्रोच के माउथ पार्ट के बारे में पूछा है काक्रोच का माउथ पार्ट कैसे होता है काक्रोच का माउथ पार्ट होता है चीविंग एंड बाइटिंग टाइप चीविंग एंड बाइटिंग टाइप सी ऑप्शन हो जाएगा इन काक्रोच वॉकिंग लेग एराइज फ्रॉम काक्रोच किसका मेंबर बेटा हेक्सापोडा का मेंबर है ना हेक्सापोडा का मेंबर तो छह टांगे होंगी अब छह टांगे कहां से एराइज करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑल द थोरेसिक सेगमेंट प्रोथोरेक्स मेजोथोरेक्स मेटा से आर थ्री पेयर्स थ्री पेयर मतलब छह टांगे हो जाए द एब्डोमेन इन मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ ये भी अच्छा सवाल है थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर जाओगे इसमें मेल और फीमेल में जो एब्डोमेन होते हैं उसमें कितने कितने सेगमेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कितना हो जाएगा दोनों में दस दस सेगमेंट ही होते हैं दोनों में दस दस सेगमेंट ही होते हैं बेटा ठीक है मेल और फीमेल इसीलिए कठिन सवाल है क्योंकि आपको कुछ अंतर फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द फोर विंग्स ऑफ काक्रोच काक्रोच के फोर विंग के लिए कौन सा इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर हैल्सो कॉल्ड मेटाथोरे विंग और सी ठीक है ऑपेक डार्क एंड लेदरी ये भी सही है कवर द हाइंड विंग हैंडविंग वेनेट्रेस्ट ये भी सही है यूज इन फ्लाइट ये गलत है बेटा फ्लाइट में केवल हाइंड विंग यूज होते हैं हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एन दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड इस कलरेशन को क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर अपने कलर को चेंज करके अपने अपने प्रिडेटर से अपना बचाव कर लेता है है ना? दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नेम्ड ने दैट इज नेम्ड एज मिमिक्री इसे क्या कहते हैं मिमिक्री कहा जाता है इन फ्रॉग द ड्यूडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास थ्रू ए फ्रॉग में पूछा है तो अच्छे से करना ये है ना फ्रॉग में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अगर ये सवाल ह्यूमन में आता तो आप क्या आंसर करते लेकिन अब ये क्वेश्चन फ्रॉक का है तो यहाँ पर कॉमन बाइल आंसर होगा ठीक है यहाँ पर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं करना है क्या करना है कॉमन बाइल डक आपको आंसर करना है इन वाटर द एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग अरे जब फ्रॉग पानी में होता है तो उस समय कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है ये भी अच्छा सवाल है पानी के अंदर पानी के अंदर जो स्किन है बेटा यही केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा द वेंट्रिकल ओपन सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हर्ट ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड ऐसा स्ट्रक्चर देखो मैमल में नहीं होता फ्रॉग में होता है वेंट्रिकल जो होता है बेटा वो किसमें ओपन करता है होता है ना इस तरीके से राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल हो जाता है ना तो वेंट्रिकल एक स्ट्रक्चर में ओपन करता है जिससे हम कहते हैं स्ट्रक्चर को ऑप्शन करेक्ट हो जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन फ्रॉग इन फ्रॉग में सीएनएस कितने पार्ट में डिवाइड होता है मतलब ह्यूमन में और अगर आप फ्रॉग की बात करें तो दोनों के सीएनएस के दो दो पार्ट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन फ्रॉग इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एएनएस सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दो पार्ट हो जाएंगे जैसा कि हम लोगों में भी होता है पांचवे सेगमेंट में जो रेड कलर के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दीज आर नेम्ड एज ब्लड ग्लैंड इन्हें ब्लड ग्लैंड कहा जाता है ब्लड ग्लैंड ऑफ फेरेटीमा टेक पार्ट इन ब्लड ग्लैंड का काम क्या होता है ब्लड ग्लैंड यह लिखा है रेड ब्लड कार्पिस्कल आरबीसी तो फेरेटीमा में आरबीसी तो पाई नहीं जाती है फॉर्मेशन ऑफ फेगोसिटिक सेल फेगोसाइट का बनाने फेगोसाइट को बनाने का काम करते हैं अब फीचर एबसेंट इन एनिलिड एनिलेड में कौन सा फीचर एबसेंट होता है लाइटेलम होता है मेटा सेगमेंटेशन होता है नेफ्रीडिया होता है सिलोम होता है ये एस्केरिस या एस्किल का कैरेक्टर है इन अर्थोवर्म मेल जेनाइटल प्रेजेंट वेंट्रली इन द सेगमेंट ये भी अच्छा सवाल है ये जितने सवाल मैं करा रहा हूँ बेटा ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो ये तो कम से कम आना ही चाहिए आपको है ना मेल जेनाइटल अपर्चर इसमें होता है एटीन सेगमेंट मेल जेनाइटल अपर्चर होता है सेगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ नहीं पाया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं बहुत बार मैंने बताया भी आपको इंसेक्ट में बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना काक्रोच या इंसेक्ट में इफ ए लाइव अर्थवर्म इज विद विदिल ऑन इट्स आउटर सर्फेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट द दैट कम्स आउट इज जो फ्लूड बाहर निकला था उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स

मशरूम ग्लैंड किसका पार्ट है मशरूम एक तो खाने वाला होता है बेटा है ना फंजाई एक मशरूम ग्लैंड होती है अब पहली चीज तो एक काकरोच में होती है काकरोच में किसमें मेल या फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काकरोच में, में मशरूम ग्लैंड पाई जाती हैं कंपाउंड आईज आर फाउंड भी कोई पूछने वाला सवाल है कंपाउंड आई पर पाई जाती है काकरोच में है ना काकरोच में फर्टिलाइज एग ऑफ अमेरिकाना इन कहते हैं अमेरिकन काकरोच तो में जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनको किसके अंदर बंद करके रखा जाता है हुकुम तो अर्थवर में होता है ये तो आंसर करोगे नहीं उथिका नाम के स्ट्रक्चर पा जाते हैं यहाँ पर उथिका विच इज करेक्टली मैस्ड इन फेरिटिमा फेरिटिमा के लिए कौन सा सही है क्लाइटेलम सिक्रीट कोकून सही है गिजार्ड तो ग्राइंड करता है सीटी लोकोमोशन मोशन में रोलती है टिफ्लोसोल एब्जॉर्बन में मदद करता है तो केवल एक ऑप्शन सही फोर्टी वन का वन फैट इज स्टोर्ड इन फैट को कहा स्टोर किया था है तो बहुत आसान सा सवाल है Uh, मुस्कान 11 बजे का जो सिलेबस है वीआईपी सीरीज का उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं uh, एक टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एडिपोस्ट टिश्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन अर्थवर माउथ इज सिचुएटेड ऑन अर्थवर में माउथ की पोजीशन कहाँ पर होती क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री दैट इज द पेरिस्टोमियम ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेरिस्टोमियम क्योंकि प्रो भी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटो भी दिया गया है, है ना तो पेरिस्टोमियम लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडार एनलिडा में कौन से लोकोमोट्री ऑर्गन पाए जाते हैं सकर, लीच में पैरापोडिया नेरिस में सीटी, अर्थवर में तो ऑल हो जाएगा मेल एंड फीमेल काक्रोचेस कैन बी डिस्टिंग एक्सटर्नली थ्रू मेल और फीमेल काक्रोच को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनएल स्टाइलिन मेल यही डिफरेंस होता है बेटा है ना बाकी एनएल सिराई दोनों में होती है और एंटीनी दोनों में पाई जाती है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स इंवॉल्व इन मेकिंग द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल लार्ज ब्लड वेसल की इनर वॉल कौन बनाते हैं 45 पुशअप्स करने में 19 मिनट आपको लगे 19 मिनट में 45 पुशअप हो चुके हैं अगले 45 देखिए कितनी देर में आप करते हैं

कनेक्टिव hmm, टिश्यू हो जाएगा कनेक्टिव ऑफ़ द इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बोन कनेक्टिव है कार्टिलेज कनेक्टिव है ब्लड कनेक्टिव मसल इज द मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन अर्थ बट आर नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट दे आर प्रेजेंट इन सीटी किस सेगमेंट में पाई जाती है पूछा गया <coughs> तो देखो फर्स्ट सेगमेंट में सीटी नहीं होती लास्ट में नहीं होती है लास्ट में नहीं होती है इन तीन में नहीं पाई जाती है और इनको छोड़ के बाकी हर सेगमेंट में मिलेंगे तो तो कौन सा स्टेटमेंट सही है द नंबर ऑफ वोरियोलिन इचोरिया टेन ये एट होती है लार्वल स्टेज कैटरपिलर लार्वल स्टेज बेटा निम्फल स्टेज यहां पर पाए जाते हैं एनालिस्ट एलिज इन फीमेल ये सही थे यूरियोटेलिक गलत है यूरिकोटेलिक नेचर के होते हैं तो ऑप्शन सही हो जाएगा चलो यहां मैच करना एडिपोस टिश्यू बस एक से मैच कर लेते फैट स्टोरेज ए का फोर, यानी बी ऑप्शन आपका अगेन आंसर देखिए एग्जाम में ऐसे आप करोगे चलो इसमें देखो Hermaphrodite. Hermaphrodite का मतलब क्या है सेम एनिमल मतलब सेक्शुअल हो जाएगा है ना तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन तो खत्म हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा नहीं होगा तो ए टू बी थ्री प्लस हो क्वेश्चन फिफ्टी थ्री पहलो होता क्या होता है बेटा कांक्रोच में एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कहते हैं क्या होता है ओपनिंग ऑफ तो थ्री पर सेंसर आ गया चलो यहां पर देखो फ्रॉक के लिए टच टच के लिए क्या क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर टच के लिए सेंसरी पेपिली हो जाएंगे स्मेल इसमिल के लिए नेजल एपिथिलियम हो जाएगा क्रेनियल नर्व पेरिफिल नर्वस सिस्टम मेडुला फोरामेन तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्टिलेज इज फॉर्म बाय कार्टिलेज को कौन बनाता है कार्टिलेज इज फॉर्म बाय कार्टिलेज को बनाता है कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोसाइट शन इज कॉज बाई यूट्रोफिकेशन कौन कॉज करता है? सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर द काइंड ऑफ एपिथिलियम विच द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल ब्लड वेसल अभी हमने किया था ना ब्लड वेसल इनर वॉल में क्या होता है स्कोम एपिथिलियम होता है ऑफ फैट स्टोरिंग सेल फैट स्टोरिंग सेल कौन सी होती है फ्यूजी फॉर्म होती है और उनमें नहीं होते नॉन स्ट्रिएटेड होती मैथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल का तरीका कौन सा इसमें बर्थ कंट्रोल का तरीका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईओडीज हो जाएंगे चाहे फॉलोइंग एक्ट एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपीथिलियम अभी हमने किया भी था ना सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होता है एरियोलर टिश्यू होता है अच्छा सवाल है काक्रोच में एक्सक्रीशन में रोल कौन नहीं प्ले करता है फैट बॉडी एक्सक्रीशन का काम करती है यूरिकोज ग्लैंड मालपीजेंटी बोले जो फेलिक ग्लैंड होती है बेटा ये रिपोडक्शन में रोल प्ले करती है इनका एक्सक्रीशन में रोल नहीं होता ियम कंपाउंड एपीथिलियम के लिए कौन सा सही है मल्टीलेट होती है सारे सही है बिल्कुल इन पेरी प्लेनेट अमेरिका ना देंट्रल स्लिट इज कॉल्ड्रल साइड में और डॉसल साइड में जो स्किलट होते हैं उनमें से आपसे वेंट्रल साइड के स्क्लेरिट के बारे में पूछा है वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट टर्म का यूज करते हैं द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग लीकेज लीकेज को कौन रोकने का काम करता है एनसीआरटी में दिया भी है लीकेज को कौन रोकता है टाइट जंक्शन नाम ही है टाइट फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास सेल आर प्रेजेंट इन अभी हमने किया था कहां पर होते हैं एरियोलर टिश्यू में एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं हाउ मेनी स्पर्मैथिकी आर फाउंड इन द मेल कांक्रोच मेल कांक्रोच में कितने स्पर्मैथिकी होते हैं बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन अच्छे से करिएगा क्या करोगे नन क्योंकि जो स्परमैथकी होते बेटा वो स्पर्म को स्टोर करते हैं और ये फीमेल में होते हैं ठीक है फीमेल में पाए जाते इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लेयर ऑफ स्परमैथिक्वेशन फॉर्मिंग टिश्यूज दैट अपीयर टू बी मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली सम ऑफ सेल एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेम टू सरफेस इज कॉल्ड अपीयर मल्टीलेयर्ड मल्टीलेयर्ड नजर आ रहा है लेकिन है नहीं इसको क्या कहते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड कहेंगे ना इसको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एंड्रोशियम और गाइनोशियम किस तरह के वर्ल्ड होते हैं दिज आर द इसेंशियल वर्ल्ड इसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं वेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इज ए वेरी कॉमन स्पीसीज ऑफ काक्रोच इट इज अभी मैंने बताया था क्या होती है यूरिकोटेलिक होती है ना यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती है टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सेगमेंट इससे बने होते हैं बेटा ये टेलोमियर किससे बने होते हैं ये बने होते हैं ग्वानीन रिच रिपीट से द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कौन रिप्रेजेंट करता है अभी हमने एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन किया था जो फेलोमियर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं द म्यूकोसा सिस्टम इज लाइनड विद हमारे स्टमक के अंदर कौन सी एपीथीलियम पाई जाती हमारे स्टमक के अंदर कौन सी एपीथीलियम पाई जाती जातीम तो ग्लैंडुलर होती है और सिंपल कॉलमनर होती ग्लैंडुलर क्योंकि वहां पर ग्लैंड होती है, है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीशन करती है और कॉलमनर एपिथीलियम तो होती ही पेरी प्लान अमेरिका नेक्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज इनकरेक्ट कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए गलत है विंग दो पेयर लेक तीन पेयर ओवरिज दो हो जाएंगे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है क्लोज नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा ब्रांच तो है, है, होती है एन सी आर टी में सारी बातें लिखी हुई है क्या हो जाएगा कार्डिय मसल कार्डिय मसल में फीचर पाया जाता है उनमें इनवॉल्ट्री नेचर भी है ब्रांच भी है और स्ट्रीटेड एनल सिराई इन द काक्रोच काोच में एनल सिराई के लिए कौन सा करेक्ट है सेक्स दोनों सेक्स में होता है मेल और फीमेल में विच ऑफ structure स्ट्रक्चर इज of cuboidal epithelium and contain microvilli?

ये तो भी हमने किया था ना गलत इंफॉर्मेशन पूछा था सी ऑप्शन हमने किया था ना टेंडन अटैच बोन टू मसल एंड लिगामेंट अटैच टू वन एंड एग्जाम्पल टेंडन और लिगामेंट किसके एग्जाम्पल टेंडन और लिगामेंट किसके एग्जाम्पल है दे ऑफ डेंस रेगुलर जो द फॉलोइंग टिश्यू कैन डेवलप फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर मतलब एक्टोडर्म मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर से कौन डेवलप होता है एनसीआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन एनटीए में सवाल आपसे पूछा गया है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू सेक्स ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे फीमेल एस्केरिस सार्पली कर्व पोस्टेरेंट मेल में कर्व होता है मेल कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फाइन लिम नहीं बेटा फोर लिम में होगा फीमेल चैनल सिराई नहीं मेल सार्क मतलब एनल मेल और फीमेल दोनों में होती है ऑन पेल्विक डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 के लिए। सिंपल सिंपल इस्कौयमस इस्कौयमस का काम क्या होता है डिफ्यूजन बाकी जो क्यूबाइडल कॉलमुलर होती हैं वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एपिथेलियम एपिथेलिया हैज फ्री सरफेस सही है इन एपिथेलिया सेलर लूजली पैड विद समिलिटर सेलर मेटिस से भी सही एपिथेलिया इज कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट है भी सही ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में भी एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल और एंडोडर्मल तो क्या गलत है इसमें इनकरेक्ट पूछा ना 84 के लिए सेलर पैक्ड विद स्मॉल इंटरसिलर मैट्रिक्स हाँ ये गलत हो जाएगा भी गलत होगा कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज किससे बनी होती है देखो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट पाई जाती है तो वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे ये देखो कॉन्ड्रोस से बना है कॉन्ड्राइटिंग सल्फेट है ना कॉन्ड्र सल्फेट कैल्शियम फॉस्फेट आपको बोन में मिल जाएगा ये आपको बोन के अंदर मिल जाएगा टेंडन होता है एम टी बी और एक होता है बल्ब मतलब लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है और जो टेंडन होता है ये मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉन्ड्र सोल्ट यह जो कॉन्ड्र सल्फेट लिखा ना बेटा ये कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट हो जाएगा फॉलोइंग एक्ट एज ए ब्रेन इन द काक्रोच काक्रोच का ब्रेन क्या होता है काक्रोच का ब्रेन कौन सा है सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लिया एनसीआरटी में दिया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल काक्रोच मेल कांक्रोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है डक्ट ऑफ फेली ग्लैंड ओपन इन द लेफ्ट फेलोमियर फेलोमियर क्या एक्सटर्नल जीनेटेलिया को कहते हैं आइडेंटिफाई द टिश्यू विच हैज बीन इनकरेक्टली मैस्ड विद इट्स फंक्शन

ये सब तो पाए नहीं जाते हैं अब अगर गॉबलेट सेल को देखो तो ये सिक्रीशन करने का काम करती है तो अगर ये सिक्रीशन करेगी तो इसमें ईआर ER, गोल्ची बॉडी सारी चीजें आपको मिलेंगी ये बहुत अच्छा सवाल है गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करती है ना म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर में सिंगल सेल ऑर्गेनेल होंगे ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे एच लाइव मेरा कोड है टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा और कितना टाइम हमें लगा दस बज के सैतालीस मिनट हो रहा है अभी ग्यारह बजे से क्लास होगी बेटा आपकी अनकेडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास है है ना वी सीरीज यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ठीक है तो आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा ये टेलीग्राम चैनल भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ओके okay? तो चलो अभी मिलते हैं हम लोग ग्यारह बजे वीआईपी सीरीज के साथ में अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर आपके पास ऐप आप नहीं तो प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड कर लेंगे ठीक है और वहां पर आपसे जब कोड मांगेगा तो एच जी लाइव कोड का आप यूज करिएगा ठीक है एच जी लाइव कोड का यूज करिएगा ठीक है आज के सेशन को यही पे कंप्लीट करते हैं